राज्य में हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। अन्ना समर्थकों ने किया 6 जनपद शरद पवार के घर के बाहर हंगामा, लेकिन अफसोस उनके भीतर का इंसान सो चुका है। वर्दी के पीछे वो जिस्म अब केवल रह गया है। हस्ती पर भारी है भूख, एक रोटी के लिए उठते हैं तमाम हाथ। पेट की तड़प इंसान की हस्ती पर भारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट प्रिंस लेनिन साहब मौजूद है। हमारे दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। कौल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पूरा जीवन आपने पुलिस की सेवा में लगाया है, अपने सेवा काल में अक्सर आपका ताल्लुक इस तरह के मामलों से भी पड़ा होगा। इस सब के पीछे है क्या? क्या जो एक जुमला हम सुनते हैं कौल साहब के पुलिस के भीतर, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को हम देखें, इंसानियत क्या पूरी तरह से खत्म हो गई है, मर गई है, या फिर कोई दूसरी वजह है जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? कौल साहब, ऐसा है कि ये उत्तर प्रदेश की समस्या ही नहीं है, ये इस रीजन की समस्या है। इसमें हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी आता है, इसके अंदर जो है पंजाब भी आता है, और ये जो है इसमें कई तरह की समस्याएं हैं जो मैं समझता हूं कि आज इस मौके को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पहली तो ये है कि दिल्ली प्रांत को छोड़ के और जो हमारे पड़ोसी प्रांत हैं उसमें अनक्लेम्ड बॉडीज यानी कि जिनकी शनाख्त नहीं हुई है उनका जो निपटारा करना होता है उस पर जो खर्चा आता है वो अभी सरकार ने अपने पुलिस विभाग को वो जो आजकल के हालात हैं या खर्चे के जो हालात हैं उसको ना देखते हुए वो जो पुरानी रेट है उसी पे रखा हुआ है। अब आप अगर चाहे आपका अपना निजी रिश्तेदार क्यों ना हो, पर एक डेड बॉडी को जो जब आपको डिस्पोजल करना होता है तो पहले तो उसका जो है उसका जलाना या उसको गाड़ना उस पर जो खर्चा है वो तय होता रहना चाहिए वक्त पर वक्त, वो नहीं हो रहा। तो वो जो है पुलिस वाला अपनी जेब से निकाल रहा है, तो वो जेब से अपनी वो टटोलना नहीं चाहता इस काम के लिए, वो जो है उसका कहना चाहिए क्विक डिस्पोजल, फटाफट उसका जो निपटारा करना जो है वो इसी तरह करता है कि उसको जो है नदी के अंदर बहा देता है या कनाल के अंदर डाल देता है। और खासतौर से ये वो जिले हैं जहाँ पे जिनके दूसरे पड़ोसी जिले जो है दूसरे प्रांत में है, तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। और दूसरी चीज ये है कि जिन जहां जहां ये हरकतें हो रही हैं वहां पे पुलिस वालों की जो तादाद है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जो तादाद है, नफरी जो है वो कम है। अच्छा, काम उनके पास बहुत ज्यादा है और काम फजूल का भी काम उनको ज्यादा दे दिया जाता है। तो यह जब डेड बॉडी जो है जिसको जिसकी शनाख्त हमको करनी है वो अगर उसमें उनको अगर कहा जाए कि इसको ठीक तरह से काम करो, इसकी शनाख्त असल में करो, ठीक है, तो उनको जो है एक दिन नहीं उनको हफ्तों लग सकते हैं वो ढूंढने के लिए कि ये बॉडी आई वहां कैसे, कनाल से आई कहां, अब कितनी किसने फेंकी। और ये सब जो है जब इस तरह से काम लाद दिया जाता है तो वो जो आदमी है वो कहता है कि अब मैं केस का क्या कैसे करूंगा। कौन साहब, हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट प्रिंस लेनिन साहब मौजूद है। लेनिन साहब मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता है, लेकिन उनसे उनके पास जाने से पहले कौन साहब एक सवाल जरूर आपसे यहाँ करेंगे। आपने शुरुआत में कहा दरअसल ये पूरा पैसे से जुड़ा मसला है, क्या हमारी सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है या सब कुछ जानने समझने बूझने के बावजूद सरकार अपने रवैये पर चलती है और दोषारोपण पुलिस महकमे पर होता है? असल स्थिति है क्या? क्योंकि महंगाई या जिस तरह इशारा आप कर रहे हैं कि डेड बॉडी को जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है उस पर कितना खर्चा आना चाहिए, इस बात का अंदाजा सरकार को भी होता होगा, सरकार के लोगों के पास भी इसका लेखा जोखा होता होगा, फिर आखिर दिक्कत आती कहां पर है? नहीं, ऐसा है कि अगर आप स्टेट बजट देखें और ये देखें कि कानून व्यवस्था के ऊपर जो है कितना खर्च रखा जाता है प्रांतों के बजट में, तो आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा कि ये खर्चा बहुत कम है, खर्चा कम दिया गया है। तो उसमें
ये बात असल में उल्टी है। आजकल के माहौल को देखते हुए जो खर्चे होने चाहिए कानून व्यवस्था के ऊपर या कोर्ट के प्रोसीजर के ऊपर जो होने चाहिए, वो खर्चे उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। तभी भी पुलिस वाले करते क्या है कि वो जेब तराशी से जो है, जो जनता की जेब तराशी होती है, उसमें से पैसा निकाल के अपना सरकारी काम निभाते हैं। और ये शर्मनाक बात है, पर ये मजबूरी भी आजकल की है। तो ये जब तक कि इस पे इसका निवारण नहीं होता, तब तक ये समस्या रहेगी। अच्छा, मैं पहले भी आपको कह रहा था कि एक समस्या और जो है वो है कि ये जो इनके पे जो काम डाला गया है वो कहीं ज्यादा है और नफरी जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कम है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये समस्या बड़ी गंभीर हो रही है। आप हमारे साथ प्रिंस लेनिन साहब के पास चलेंगे, एडवोकेट है प्रिंस लेनिन साहब और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। लेनिन साहब, आप क्या स्थिति देखते हैं इस तरह के मामलों में? कौल साहब कई तरह की तकनीकी दिक्कतें बता रहे हैं जिनकी जमीनी हकीकत भी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लाशों के साथ, खासतौर से जो लावारिस लाशें हैं, उनके साथ इसी तरह का सलूक होगा? हमारी सरकारों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम वोट बैंक के लिए कई तरह की योजनाएं देखते हैं, अगर हम मौजूदा सरकार को ही देखें तो टैबलेट कंप्यूटर की कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन उनके लिए बजट भी है, लेकिन क्या अखिलेश की सरकार या पिछली कोई भी सरकारें इस तरफ नहीं सोचती हैं कि कम से कम जो अंतिम संस्कार है किसी भी व्यक्ति का, खासतौर से अनक्लेम्ड बॉडी का, वो सही तरीके से हो सके? लेनिन साहब, राजीव जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा एक पिछली घटना पे कि हमारी सरकार की राजनीति किस चीज के चारों तरफ रहती है। अभी कुछ दिन पहले मूर्ति टूटने की घटना घटी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सरकारें अपनी राजनीति मूर्तियों के आसपास चलाते रहेंगे तो जो जीवित व्यक्ति हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका ध्यान कौन देगा? ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि अपने प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि संसार में भी जेनेवा कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा कि जहां पे जो दो देश अगर युद्ध पे होते हैं और युद्ध बंदियों की हिरासत में मौत होती है तो उनके लिए पूरे सात सम्मान, उनके अंतिम संस्कार का प्राविधान किया गया है। दो जो शत्रु देश है वो एक दूसरे के बंदियों को इतना सम्मान देते हैं और यहाँ अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही बीच के किसी मृत व्यक्ति का इस तरह से एक संवेदनहीन तरीके से उसका दाह संस्कार किए बिना नदी में बहा दिया जाना, ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। इस संबंध में आपका ध्यान एक और चीज पर, बिंदु पर मैं आकर्षित कराना चाहूंगा कि 1996 दिसंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग को पंजाब में जो हत्याएं हुई थी बड़े पैमाने पर और जो अनक्लेम्ड बॉडीज थी, उस प्रकरण पे वो मसला रेफर किया था जिसपे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने बड़ा विस्तृत आदेश दिया था पंजाब सरकार को, जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की जो डेड बॉडीज हैं उनके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई की जानी चाहिए, जितने निशान हो सकते हैं अंगूठे के निशान लिए जाएं। अब तो डीएनए टेस्ट की भी प्रावधान है कि काफी लंबे समय तक आप उनका डीएनए प्रिजर्व करके रख सकते हैं जिससे उनकी बाद में शिनाख्त हो सके। लेकिन लेनिन साहब जो रहा बात इस तरफ जिक्र कर रहे हैं, कौल साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में दिक्कत इस बात की है कि तो समय काफी लगता है, लग सकता है जैसा कि उन्होंने कहा शिनाख्त करवाने में, और पुलिस कर्मियों की भारी कमी है। और बार बार जब हम पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो ये जो एक लॉजिक है वो बड़े तौर पर उठाया जाता है। हम एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं लेनिन साहब, लेकिन उससे पहले बड़े संक्षेप में आपसे जानना ये चाहेंगे कि निदान क्या है, क्या पुलिस महकमा जिम्मेदार है या फिर जो पॉलिटिकल स्थिति है वो इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हमारी सरकारें असंवेदनशील है, वो इस तरफ नहीं सोचती है जैसे इस तरह के हालात बनते हैं? बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि जो सरकारें हैं इस तरफ सोचती ही नहीं। अभी मैंने शुरू में ही जैसा कहा कि उनका ध्यान जब मूर्तियों पे लगा है तो इंसानों पे कौन ध्यान देगा। जो आज भी मैं एक इस तरह अंतिम संस्कार में गया हुआ था और वहां पे इतने मिनिमम रेट्स हैं
आज हर जगह इलेक्ट्रिकल आपको दाह संस्कार की व्यवस्था बहुत कम पैसे में की जाती है, 600,000 रुपए है। क्या इतनी ही व्यवस्था एक मरे हुए मृत व्यक्ति के लिए सरकारी खजाने में नहीं है? आप ढूंढेंगे तो प्रावधान इससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उस धन का उपयोग कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हो रहा है। 1500 रुपए का प्रावधान बात करें तो जी जी, जो मौजूदा स्थिति है उसमें उसपे अंतिम संस्कार के लिए 1500 रुपए का प्रावधान है, लेकिन हम स्थिति ये देखते हैं कि बड़े अधिकारी या तो पैसा देते नहीं है या जो पैसा देते हैं उसमें से कम पैसा दिया जाता है। जैसे इस केस में ही हम देख रहे हैं कि 500 रुपए का क्लेम किया जा रहा है और जो पुलिसकर्मी नदी में लाश को फेंकता है वो कह रहा है कि हमें केवल 100 रुपया ही मिला है। लेनिन साहब, रहिए आप हमारे साथ, कॉल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल लावारिस लाशों के साथ बर्ताव क्या होता है वो चौंकाने वाला है, और इंडिया न्यूज आपको ये दिखाना चाहता है। बस्ती में जिनकी पहचान नहीं होती उन शवों को नदियों में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है उसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगाइए। इंसानियत की कीमत चंद 100 रुपए। रात के अंधेरे में जाहिर होता है कि नौरा सच, जिनकी आखिरी रस्म करनी चाहिए उनको नदी में ठिकाने लगा दिया जाता है। देश का कानून कहता है कि लाशों का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी कानून के आखिरी कड़ी के इशारे पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये काम किया जाता है। महज कुछ 100 रुपयों के लिए लोग भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। मिट्टी मंगल को मिट्टी में मिला देने की बात करती है पुलिस, ये बहुत गलत बात है। उनको सम्मान तो मिलना चाहिए। जब पुलिस का कोई सिपाही या पुलिस का कोई अधिकारी जब खत्म होता है तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। उसी तरह से लावारिस लाशों को भी एक इंसान की लाश समझकर उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, उनका पूरी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। लाशों को लगाया जाता है ठिकाने, जो कभी बारिश मौत ने उसको लावारिस बना दिया। इसके लिए दिन ढहने का इंतजार किया जाता है। सरकार की तरफ से ऐसे शवों के जिनकी पहचान किसी वजह से नहीं होती उसकी आखिरी रस्म के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन महज 500 रुपए देकर ऑटो और रिक्शा वालों के जरिए उनको सुनसान इलाकों में फेंक दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिर वो रकम जाती कहां है। इंसान का खोया ईमान, सभी को अपने धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार का हक है। जिंदा इंसानों में फर्ज किया जाता है कि उनमें ईमान भी होगा। एक ईमानदार किसी की रूह को सदा के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन सांसों के साथ दुनिया के इंसानी रिश्ते फना हो जाते हैं। इस जहां से आंखें मूंदने वाले नहीं जानते कि दुनिया वाले उनके साथ क्या सुलूक करने वाले हैं। इंडिया न्यूज के बस्ती से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मौके को भी जैसे तैसे अंजाम देना चाहते हैं। प्रावधान 1500 रुपए का है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि या तो उतने पैसे भी नहीं दिए जाते या अगर दिए जाते हैं तो वो कम करके दिए जाते हैं, और नीचे का अधिकारी भी केवल 100 या 500 रुपए में रिक्शे वाले ऑटो वालों के जरिए उनको उन लाशों को फेंकवा देता है। ऐसा है कि इसमें कई पहलू जुड़े हुए हैं। एक पहलू ऐसा है जो कि इस इलाके में मेरी नज़र में आया है मेरे अपने सर्विस के दौरान में, वो ये है कि जो स्वर्ण जाति के जो हमारे लोग हैं वो ज़रा हिचकिचाते हैं एक मरी लाश जो कि उनकी रिश्तेदार की है नहीं है उसको छूने में। ठीक बात है। और उसका किस तरह से बाद में प्रदर्शन हो जाता है आपने अभी दिखा दिया। अच्छा, हमारे पुलिस विभाग में खासतौर से उत्तर भारत में ज्यादातर जो भर्तियां होती हैं वो स्वर्ण जाति के लोगों की होती हैं, जिसमें कि इस तरह का भेदभाव छूतछात का जो है समस्या जो है वो सामने आती है। हम चाहे कितना भी कहें कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, एक वर्दी का आदमी जो है तो वो वर्दी बन जाता है, उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई और नहीं, एक तो उसकी इंसानियत होनी चाहिए और दूसरा ये कि वो वर्दी की लाज रखे और जो चाहे जिंदा हो या मरा हो उसका भी आदर होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। और ये जो अपनी जो घरेलू जो उनकी बातें होती हैं वो सामने प्रकट हो जाती हैं जब इस तरह की कोई मरी लाश सामने आ जाए तो वो छूते नहीं होते। यानी कौन सा, और वो ज्यादातर यहाँ भी दिखाई देता है इस तरह के मामलों में कौन सा। लेकिन सवाल ये कि जब इस तरह की चीजें आप लोग जानकारी भी आती है
या किसी भी अधिकारी की जानकारी में आती है, क्या इनको टैकल करने की कोशिश की जाती है, दूर करने की कोशिश की जाती है? ज्यादातर आप जैसे कि आपका अपने प्रोग्राम में पहले आपने बताया कि जो हमारे जो बालतरान अफसरान हैं, खासतौर से बस्ती का भी आपने नाम लिया है, उन्होंने जो है हिदायतें दी हैं कि जो है ये आदर जो है मरे इंसान का भी आदर होना चाहिए, ये उन्होंने अपने विभाग में डायरेक्शन जो है दिए हैं। पर होता क्या है कि जब सर्विस पर जो पुलिस वाला नया नया आता है तो वो तो करता है ये सब बातें, उसका ख्याल रखता है, पर जब सर्विस के अंदर जब उसके साल ज्यादा गिनने लग जाते हैं तब वो जो है वो कहता है कि अरे भाई इसकी क्या जरूरत है, ये तो अब मर गया है, इसको क्या करेंगे इसका। अच्छा, फिर वो कहीं कहीं कुछ जिलों में ऐसा है जहां पे ये नहरें ज्यादा लगी हुई हैं कि ये काम ये नहीं कि हफ्ते में एक लाश मिल रही है, यहाँ तो दिन में दो दो तीन तीन आ जाती हैं, और वो खास तौर से एक नई मुसीबत बन जाती है एक कि इनका किस तरह से डिस्पोजल हो। अब दिल्ली में खास तौर से एक जो स्कीम चल रही है वो काफी अच्छी स्कीम है, वो मेरे हिसाब से जो यूपी के और जो है प्रांत है उनमें बड़े शहरों के अंदर जो है वो तो लाई जा सकती है। वो ये है कि जब पुलिस जो है जब ये लावारिस लाश देती हैं उनका वो फिंगरप्रिंटिंग करती हैं, उनका डीएनए सैंपल लेते हैं, और उसके अलावा फिर वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनका ऑफिशियल डिस्पोजल होता है, और वो उसमें उनका कोई खर्चा नहीं होता पुलिस वालों का, वो सिर्फ लाश को ले जाते हैं, वहां उसका रजिस्टर करते हैं जी। और बाद में वो क्रेमेटोरियम का जो अथॉरिटी है वो अपनी म्यूनिसिपैलिटी से अपना खर्चा जो है पूरा निकाल लेते हैं। एडवोकेट प्रिंस लेनिन साहब, आप सुन रहे होंगे कौन सा जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मूल दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारी परवरिश है, जिस तरफ इशारा किया कौल साहब ने कि जो सवर्ण अधिकारी होते हैं वो दरअसल एक अज्ञात एक लावारिस लाश को छूने से जब कतराते हैं तो उनसे अंतिम संस्कार की उम्मीद कैसे की जाए। लेकिन यह मूल प्रश्न लेनिन साहब ये है कि अगर इस कदर और इस स्तर पर दिक्कत होगी तो तकनीकी खामियों को तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर इस मानसिकता को हम कैसे बदलेंगे? तो क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में यह स्थिति ऐसे ही रहने वाली है? राजीव जी, इस तर्क से मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं कौल साहब के कि ये सवर्ण और जो गैर सवर्ण वाला मुद्दा कह रहे हैं। यही अगर कोई हत्या का केस होता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती तो वही पुलिस अधिकारी वही पुलिसकर्मी उस लाश का पंचनामा कर रहे होते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे होते हैं। बात संवेदनहीनता की इसलिए आती है कि जो अनक्लेम बॉडी होती है, जिसके आसपास खड़ा होने वाला कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जिसके लिए कोई उसके नातेदार नहीं होता है, उसकी तरफ ये संवेदनहीनता रहती है, उसकी तरफ ये पुलिसकर्मी कोई ध्यान नहीं देते हैं, किस तरह से ले जाना है, किस तरह से रख रखाव करना है, किस तरह से उसका दाह संस्कार करना है। तो ये कह देना कि ये सुवर्ण और गैर सुवर्ण वाला ये तर्क देना, मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। तर्क नहीं है, लेकिन अपना तजुर्बा कौन साहब ने बताया है, लेनिन साहब, ये कोई एक पक्ष नहीं है, लेकिन ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं है। कौन साहब इस तरह इशारा कर रहे हैं, रोज शहरों में हत्याएं हो रही होती या अन्य दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही होती है, उन व्यक्तियों के भी तो पंचनामे और वो बाकी सारे पोस्टमार्टम और वो सारी दबाव नहीं होता, पुलिसकर्मी शामिल रहते हैं जी, उस समय भी वो लोग हाथ लगाते हैं, लेकिन आपके प्रश्न को साहब को बताना ये चाहूंगा, जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर लाश जो है बहुत ही कम छूता है, वो जो है वहाँ का एक जमादार होता है, वो जो है वो पोस्टमार्टम करता रहता है, वो नोट करते जाते हैं डॉक्टर साहब अपने कागज के अंदर कि क्या हुआ। अब इसी तरह से थानों के अंदर जो है कई थानों में मेरे ख्याल से ज्यादा जितने थाने हैं उनमें एक ना एक रिक्शे वाला जो होता है ना, जो फ्लैट बेड टाइप का जो रिक्शा होती है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं और उनका यही काम होता है कि वो लाश उठा के ले जाते हैं। ये पुलिस वाले जो है कौन साहब जो बता रहे हैं, लेनिन साहब, तमाम उम्मीदों के अलावा अपेक्षाओं के अलावा ये जमीनी हकीकत है। बहुत संक्षेप में लेनिन साहब, हल क्या है, निदान क्या है, निपटेंगे कैसे, बहुत संक्षेप में? सब इसमें सबसे बड़ी बात एक है कोऑर्डिनेशन की, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है दो तीन संस्थाओं के, सरकारी संस्थाओं के बीच की, अगर इस तरह की जो अनक्लेम्ड बॉडीज हैं उनके दाह संस्कार के लिए नगर निगम और जो अन्य विभाग हैं उनका पुलिस से सही तालमेल होना चाहिए, उसमें ऐसे कर्मी रहते हैं जो इन अनक्लेम बॉडीज को ले जा सकते हैं अच्छे तरीके से, ऐसे कुछ एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन अगर हम बेहतर कर लें तो स्थिति को थोड़ा सुधारा जा सकता है। कौन सा कैसे निपटा जाए, कैसे इस स्थिति को और बेहतर बनाया जाए, इस तरह की तस्वीरों को रोका कैसे जाए? पहले तो यह है कि ये शिष्टाचार की बात है, विभाग के अंदर जो है ये चीज
घुटके पिला देनी चाहिए कि अगर मरी लाश है तो उसका आदर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत की हो। उसको जो है एक बार आपने पुलिस विभाग के अंदर आपने ये काम उठा लिया तो जो भी कोई स्थिति होगी उसको आप खुद उसको निपटाएंगे, और चाहे वो कैसी भी हालात हो उस वो निपटारा आप ही की जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी जो आपको हटानी वो किसी और को दे नहीं सकते। एक तो सबसे पहले चीज ये है। दूसरी चीज सुपरविजन जो है वो जनता का भी निगरानी की तरफ से, जो आम एनजीओ हैं वो भी इसका ख्याल रखें, जो रिलीजियस बॉडीज हैं इलाके की जिस वो भी उसका ख्याल रखें। लेनिन साहब ने किया कि अनक्लेम्ड बॉडी है इसलिए ये सब हो जाता है, जहां दबाव होता है रिश्तेदार का या किसी दूसरी तरह का वहां ये सब स्थिति देखने में नहीं आती। लेकिन वो रिश्तेदारी में भी जो है वो पुलिस वाला नहीं हाथ लगाएगा, वो दूर से देखेगा। ये जो पंचनामा बनता है ये जो है ये उसके सामने बनता है, वो उसके रिश्तेदार जो है वो बॉडी चाहे वो मर गई हो उसको हैंडल करेंगे। बहुत शुक्रिया कौन साहब, समय की बेहद कमी है, बड़ी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, प्रिंस लेनिन साहब लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात मानसिकता पर आ जाती है। जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक हम संवेदनशीलता बढ़ाएंगे नहीं खुद को या दूसरों को लेकर, तब तक इस तरह की स्थिति रुकने वाली नहीं है ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारों को भी और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। प्राइम टाइम में यहां लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी प्राइम टाइम जारी।